अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी व्हाट आई ईट इन अ डे, जो कि डेली चेंज होता है, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर अलग अलग होता है, जो कि मेरी प्रेगनेंसी पोस्ट डाइट है विद बेबी। बेबी के साथ मैं क्या खाती हूँ, बेबी के साथ जब आप फीड भी करवाते हैं तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना होता है और फ्राइड चीज़ें नहीं खानी होती, बट आई गेस घी वगैरह जो है वो अच्छा होता है। मेरी रूटीन भी बहुत सिंपल है, ब्रेकफास्ट लंच और बीच में छोटे छोटे से मील्स हो जाते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद लेती हूँ एक ग्लास वार्म वाटर, और वार्म वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, आपका बेली फैट भी कम करता है, तो ये मैं लेती हूँ। इसके बाद मैं लेती हूँ मिल्क, जिसको मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाती हूँ, तो मैं 2 ग्लास के करीब मिल्क लेती हूँ, और इसमें ऐड करती हूँ शुगर 1 टेबल स्पून के करीब, और ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें बादाम पिस्ता ऐड करती हूँ 3-3 टेबल स्पून, और इसके बाद मैं इसको कुक करती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, मैं इसे कुक करती हूँ इतना कि जो 2 ग्लास है मिल्क की क्वान्टिटी वो कुक होने के बाद 1 ग्लास बच जाए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, और इसके ज़रिए आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, आपको कैल्शियम मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मैं ले लेती हूँ, और इतना कुक होता है इसका कलर एकदम पिंक सा हो जाता है, तो आपको पीने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना हेल्दी होगा, तो आप ज़रूर ये वाला मिल्क इनटेक कर लिया करें। मॉर्निंग में ये वाला मिल्क लेने के बाद जो है वो 1 से 1.5 घंटे बाद मैं लेती हूँ बॉयल्ड एग, और उसके साथ 1 कप चाय, और उसके एटलीस्ट 1 घंटे बाद मैं कोई भी एक फ्रूट ले लेती हूँ। फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं, हर रोज़ मेरा फ्रूट जो है वो चेंज होता है, ज़ाहिर है एक ही फ्रूट मैं इनटेक नहीं करती हूँ, हर रोज़ बिल्कुल डिफरेंट फ्रूट होता है, लेकिन आप वो वाले फ्रूट ज़रा ज़्यादा इनटेक करें जिसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपका ब्लड काफ़ी तेज़ी से बनता है। तो यहाँ पर मैं मैंगो ले रही हूँ, और एक मैंगो मैंने यहाँ पर कट कर लिया, ये मैंने ले लिया, आप मैंगो ले सकते हैं, मैंगो काफ़ी स्पीड से आपका ब्लड बनाता है। आप चेरी ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिससे ब्लड बहुत ज़्यादा स्पीड से बनता है। लंच के अंदर मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ अपने लिए चिकन सूप। डेली मेरा लंच बिल्कुल डिफरेंट होता है, चेंज होता है, और मैं इसको ऑयल में नहीं बल्कि देसी घी में बनाती हूँ, और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी में साबुत गरम मसाला ऐड किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऑयल मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज़ ऑयल वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं होता है लेना, तो बस यहाँ पे बस मैंने साबुत गरम मसाला और एक छोटी सी प्याज जो है वो स्लाइस करके वो ऐड कर दी है, और इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। देसी घी यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, मैंने ये वाला यूज़ किया है, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा बुरी नहीं होती है, तो लिया जा सकता है। और बस इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन ऐड कर दिया, डेली चेंज होता है, तो कभी मैं मटन लेती हूँ, कभी मैं चिकन लेती हूँ, और कभी मैं कलेजी बना लेती हूँ, और बस डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और स्पाइसेस में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं, जस्ट थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और लाल मिर्च मैं इसमें ऐड नहीं करती, ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ। इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ब्लैक पेपर ले लेती हूँ, रेड चिली मैं नहीं लेती हूँ, बिकॉज़ वो आई थिंक इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती, और ब्लैक पेपर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और वाइट पेपर तो उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो आप इसमें वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1.5 से 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया, और इसको मैं कवर करके लो फ्लेम के ऊपर पका लूँगी, जिससे जो सूप है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। बस इसको मैं चपाती के साथ लंच में ले लेती हूँ, और इसके 1 से 2 घंटे के बाद मैं लेती हूँ कोई अगेन एक और फ्रूट, वो कोई भी हो सकता है, तो आज मैं यहाँ पर चेरी ले रही थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जो है वो ब्लड बनाती है, तो बस यहाँ पर मैं चेरी को ले रही हूँ। और आपको अगर बीच बीच में भूख लगती है, मुझे बीच बीच में भूख लगती है,
तो मैं छोटे छोटे मील्स लेती रहती हूँ। लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के अलावा बीच में छोटे छोटे मील्स लेती रहती हूँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। इसके बाद मैं टी टाइम पे लेती हूँ पंजीरी, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, जो कि काफ़ी टेस्टी बनी है। तो पंजीरी ले लेती हूँ चाय के साथ, और बिस्किट या केक वगैरह भी ले लेती हूँ टी टाइम के टाइम पे। इसके बाद डिनर में आज मैं बना रही हूँ फ़िश। फ़िश मैं बना रही हूँ बिल्कुल लाइट सा फ्राई करूँगी, तो ये फिंगर फिश है और इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। तो फ़िश के अंदर लगा दूँगी बस थोड़े से स्पाइसेस, सॉल्ट लगाऊँगी, ब्लैक पेपर और गरम मसाला पाउडर, बस तीन चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इतनी फीकी फीकी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसमें लास्ट के अंदर जो है वो थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए इसमें मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है, जिससे काफ़ी अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आ जाएगा। और बस इसको मैं फिर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं आपको बता दूँ, फ़िश के साथ साथ मैंने दाल चावल और सैलेड लिया था। सैलेड तो मस्ट है, ज़रूर मैं टेक करती हूँ, बिकॉज़ वेजिटेबल्स आपने लाजमी खानी है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। डेली मैं दलिया लेती हूँ और कोई भी लाइट सा मील लेती हूँ डिनर में। डिनर करने के बाद मैं बनाती हूँ कहवा, जिसके अंदर होती है अजवाइन और ज़ीरा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है और ये आपका बैली फैट स्पेशली बहुत ज़्यादा कम कर देगा और आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी है, तो ये आप ज़रूर लें। इसको बस इतना बॉईल करना है कि दोनों चीज़ों का अर्क जो है वो पानी के अंदर आ जाए, लाइक इसका कलर चेंज हो जाए। और मैं इसको छानती भी नहीं हूँ, ज़ीरा अजवाइन जो है वो इसके अंदर नज़र आ रहा होता है, उसके साथ ही मैं इसको ले लेती हूँ। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी पोस्ट डाइट। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर